हम फ्राइड मशरूम बनाने जा रहे हैं। हमने 2 टेबल स्पून हमने घी लिया है, हमने इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज डाले हैं। अब इनको थोड़ा सॉटे करेंगे हल्की मध्यम आंच पे, ज़्यादा नहीं करेंगे वरना ये जल जाएंगे। साथ में ही हम इसमें कैप्सिकम डाल देंगे, रेड एंड नॉर्मल अपनी ग्रीन। तो थोड़ी देर तक सॉटे करते रहेंगे हम, ज़्यादा आंच पे नहीं करना है वरना ये जल जाएंगे, फिर वो स्मोकी वाला फ्लेवर आ जाएगा। हम इसके अंदर 250 ग्राम मशरूम डालेंगे, इनको सॉटे करते रहेंगे एकदम धीरे धीरे। हम इसको रेगुलर सॉटे करते रहेंगे ताकि ये चिपके ना, और इसका थोड़ा गोल्डन कलर आने तक हमको सॉटे करते रहेंगे ताकि फ्लेवर बहुत अच्छा हो। हम इसके अंदर 1/2 स्पून नमक थोड़ा डालेंगे इसके अंदर ताकि ये जल्दी से पक जाए। हम इसको सॉटे करते रहेंगे ताकि ये चिपके ना, ये थोड़ा सा पानी छोड़ने लगा है तो ये थोड़ा सूख जाए। हम इसको सॉटे करते रहेंगे, नमक की वजह से थोड़ा पानी छोड़ते रहिए। हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, इसके अंदर कैल्शियम प्रोटीन की मात्रा सही रहती है, इसको जिम वाले खाएं तो बहुत सही रहता है। और वेट लॉस के लिए? वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, आप जरूर ट्राई करें, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। ओ, तो मतलब वेट लॉस के लिए अच्छी रेसिपी है। हाँ, ये वेट लॉस के लिए अच्छी है, आप ट्राई कर सकते हैं। और साथ में ही हम इसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक पेपर मिला देंगे इसके अंदर ताकि थोड़ा टेस्ट में और अच्छा लगे। उसके अंदर बस मैं ऐसे ही नॉर्मल खाता हूँ ताकि थोड़ा टेस्ट अच्छा रहता है, और जिम वाले बंदों के लिए भी अच्छा रहता है, जो हेल्थ कॉन्शियस है उसके लिए तो बहुत अच्छा रहता है। हम इनको ऐसे ही सॉटे करते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये रेडी है, हम अब इसको बंद कर देंगे इसकी, और अब इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे और अभी हम इसको सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारी डिश रेडी हो चुकी है, अब मैं टेस्ट करके बताऊंगा कैसी लगी है। नॉट बैड, बहुत अच्छी लगी है। अभी बनाए रेसिपी घर पे ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी बनी है।